हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, तो मैं आज है नहाए खाए, मतलब तीज का नहाए खाए है। और मैं सोची कि तीज ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाय द वे, मैं अभी आई हूँ अपने मम्मी के यहाँ, मतलब बंगाल कोलकाता आई हुई हूँ। और यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ठीक है, मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे मैं यहाँ पर सडन प्लान बना था यहाँ पर आने का, तो भाई आ रहा था, मुझे भी आना था, तो फिर हम आ गए साथ में। मैं और अद्दू आया है, मतलब गुगू आया है, ये तो अभी सो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सोची कि चलो तीज का व्लॉग बना लेते हैं। और तीज के आज है नहाए का है, आज हमारे में नहाकर खाना होता है, नहाकर सूरज भगवान को जल देकर उसके बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। तो और आज के दिन ही सारा जो भी पकवान बनता है वो सब बन जाता है। अगर मैं अपने ससुराल में रहती तो इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो इसलिए मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, मेरी सास अभी देहांत हुआ है, तो इसी वजह से नहीं मनाया जाता है उतना अच्छी तरीके से, जैसे कि पुआ पकवान नहीं पकाया जाता है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मायके में हूँ, तो शायद बनता है। क्योंकि जो मेरी बड़ी जेठानी है वो बोल रही थी कि हाँ, तुम वहाँ पर हो, बाहर में रहने से कर सकती हो। तो देखती हूँ, कुछ कुछ बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कुछ कुछ बना लूँगी। और कल तीज है, कल पूरा दिन फास्टिंग, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए हालत ख़राब हो जाएगा, साथ में इसको भी संभालना है। तो चलो आज मैं कुछ कुछ बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। इसीलिए तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते। वैसे अभी यहाँ पर मेरे बुग्गू ने अपने सर से मार दिया, पूरा ब्लीडिंग हो गया था यहाँ पर। और मैं क्या बोलने वाली थी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आज है मंडे, आज है तीज वाला दिन, तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं पौने चार बजे उठी थी, और अभी 4 बज रहे हैं। मैं ब्रश व्रश करके बैठी हूँ, और मम्मी बना रही है मेरे लिए कुछ कुछ खाने का, फल वल भी आज, तो ज़्यादा थोड़ी खाएंगे, ये को खाएंगे, बना दो। सुबह 4 बजे किसका खाने का मन करता है, तो मम्मी वही अभी बना रही है। मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का, अपना एनर्जी स्टोर करके रख रही है, दिन भर चलाना है। तो मैंने ब्रश कर लिया है, मम्मी वही बना रही है अभी। और मैंने लास्ट व्लॉग में, मतलब कल वाले वीडियो में, मैंने बताया था कि जो गुजिया ठेकुआ वो सब बनाना है, तो सब मैंने कल नहीं बनाया था, वो मैं आज ही बनाऊंगी, क्योंकि सामान आया नहीं था। जैसे सूजी चाहिए होता है, मैदा चाहिए होता है, चीनी, सब तो आया नहीं था सामान, तो आज आया तो मैं आज ही बनाऊंगी, मम्मी के साथ लग के बनाऊंगी, मतलब मम्मी को बोलूंगी बनाने के लिए, मैं थोड़ा थोड़ा लग जाऊंगी। मम्मी नहीं करती है, क्योंकि मम्मी का एक बार छुट्टा तो छुट गया, मैं करती हूँ क्या, मेरा भी ये मेरा थर्ड तीज है, और थर्ड तीज में 2 तीज मैं अपने हस्बैंड के बिना मनाई हूँ। तीज पिछले साल भी बुक हुआ था, तो यहीं पे मैं तीज मनाई थी, इस साल भी मैं यहीं पे तीज मना रही हूँ। और जो पहला वाला तीज था वो मैं अपने ससुराल में मनाई थी। तो ऐसे तो नियम होता है कि सर की सास देती है, बट सास नहीं है, तो ऐसे सर की, मतलब बस सुबह नाश्ता कर लो, हो गया सूरज निकलने के पहले, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है ना कि सूरज निकलने के बाद नेक्स्ट डे होता है। तो ये अभी सुबह के बज रहे हैं 4, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी क्या क्या बना के दे रही है, क्या क्या नहीं, बस हल्का फुल्का वो
मीठी छाछ होती है चीनी वाली, वो बनाएगी, और दही वगैरह है ताकि पेट ठंडा रहे, प्यास ना लगे। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चाय तो चाहिए, लेकिन सोच रही हूँ चाय पीऊँ या नहीं पीऊँ। पीऊँ या नहीं, चाय तो ज़िंदगी है। तो चलो आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या मिलता है खाने को, और आगे भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे वो मीठी छाछ और पनीर मम्मी घी में फ्राई कर दी थी, मतलब थोड़ा सा गर्म कर दी थी, और ये मिष्टी दोई। हेलो एवरीवन, तो आज है तीज। आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज के हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा फास्ट, आज मेरा व्रत है तीज का। और मैंने कल नहाए खाए था, तो मैंने कल बनाया नहीं था जो कुछ कुछ बनता है, क्योंकि कल सामान आया नहीं था, कल संडे था, और इसी वजह से बहुत सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो फिर आज सुबह आया, और कुछ सामान कल रात में आया था, तो टाइम नहीं मिला बनाने का। अभी मैं बनाऊंगी। अभी दोपहर के हो रहे हैं 1:15, और मैंने अभी तक मेहंदी भी नहीं लगाया है। एक्चुअली मेहंदी भी नहीं मिल रहा है, सब जगह जा रही हूँ तो वहाँ पे पता चल रहा है कि मेहंदी ख़त्म हो गया है। मैं हैदराबाद में मेहंदी खरीद कर रखी थी, लेकिन मैं लाई नहीं। मैं सोची कि उधर तो मिल ही जाएगा, तो मेहंदी लाने का ज़रूर लेके उतना तो ट्रैवल करने का ज़रूरत नहीं है। मेहंदी अगर फट जाएगा तो पूरा कपड़े में या पूरा सूटकेस में लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा सारा कुछ, तो इसलिए मैं लेके आई नहीं। और देखो ऐसा नसीब कि मेहंदी कहीं मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं सोची कि चलो मिल तो जाएगा, वहाँ पे तो हमेशा मिलता है तो मिल जाएगा, और इस बार सब जगह पूछ लिया गया, कहीं भी नहीं है, सब जगह ख़त्म हो गया। पता नहीं सब जगह मेहंदी कहाँ से ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया। लगता है इस साल मेरे हाथ खाली रह जाएंगे सूने सूने से। देखती हूँ शाम तक अगर हो जाएगा तो लगा लूँगी। वो रहता ना शगुन की मेहंदी, तीज का शगुन की मेहंदी वो लगा लूँगी कैसे भी। आज अगर नहीं मिला तो क्या करूँ। तो मैं सोचा, मेरी मम्मी अभी गई है बाहर, मैं मम्मी का कब से वेट कर रही थी कि मम्मी आएगी तो लग के, मतलब मम्मी के साथ मिलके बनवाऊंगी, लेकिन मम्मी को टाइम लगेगा। और अभी 1:15 बज गए हैं, मैं सोच रही थी कि 7-8 बजे तक पूजा कर लूँ। तो देखती हूँ मैं ही किचन में जाकर लगती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाना है क्योंकि मीठा कोई खाता नहीं है। मम्मी पापा को दोनों को शुगर है, और मेरी बहन भी नहीं खाती है ज़्यादा मीठा, भाई भी नहीं खाता है, मैं ही खाती हूँ। मम्मी खाती थी लेकिन मम्मी अभी शुगर कंट्रोल कर रही है, तो मम्मी भी नहीं खाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना नहीं रही हूँ। और मेरे हस्बैंड तो आए हैं नहीं यहाँ पर कोलकाता, जिनको मैं खिला सकूँ प्रसाद। आई मिस हिम। तो चलो चल के बनाते हैं। मैंने सुबह में वो सरगी खा लिया था। सरगी में कुछ नहीं, बस वही, मतलब कुछ उतना सुबह कुछ खाने का मन करता नहीं है। वो पनीर का थोड़ा सा पनीर खा लिया था, और वो आटे और चीनी वाले जो चीला होता है उसको हम छाछ बोलते हैं, तो वो मैंने खाया था। उसके बाद फिर पानी पी लिया था। फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं था घर पे, मिठाई मेरा मन नहीं था, और मिष्टी दही खा लिया था। दही खाने से वो ठंडापन रहता है और ज़्यादा प्यास लगता नहीं है। इतना मैं बकबक करूँगी तो मुझे डेफिनेटली प्यास लग जाएगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। और कुछ कुछ सामान भी नहीं है, पता नहीं मम्मी क्या रखती है। बोली कि सारा ख़त्म हो गया, फेंक दी है। मम्मी करती नहीं है ना तीज, इसलिए मम्मी को, मम्मी पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखी थी, और मेरा यहाँ पे सडन आने का प्लान बना, तो इसीलिए। तो चलो देखते हैं कि क्या है और मैं क्या बना सकती हूँ। और बुब्बू अभी सोया हुआ है। तो यहाँ पर ये मैंने गुजिया के लिए आटा रेडी कर लिया है। ये इसमें मैंने बस क्या बोलते हैं मैदा और रिफाइन तेल और पानी डाल के इसको गूंद लिया है। इसको मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी। और ये मैंने ठेकुआ के लिए आटा प्रिपेयर कर लिया है। इसमें मैंने मैदा, रिफाइन ऑयल
और चीनी डाल लिया है, और कुछ था नहीं। मैं देखती हूँ शायद छुहाड़ा वगैरह होगा, किशमिश होगा, तो वो मैं ठिकुआ में नहीं डालूँगी। इस सौंफ है नहीं, सौंफ इसमें डलता तो अच्छा लगता है, सौंफ है नहीं और है भी तो मम्मी पता नहीं कहाँ रखी है, वो आएगी तो ही बता पाएगी। और ये इसको मैं इसके गुजिया के लिए मैं सूजी डाल के बनाऊँगी इसमें, तो सूजी मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, थोड़ा नारियल वारियल भी डाल दूँगी। नारियल को मुझे अभी फोड़ना है, हमारे में लड़कियाँ नारियल नहीं फोड़ती है, तो देखते हैं अगर भाई आ जाता है तो वो फोड़ देगा, वरना मैं ही फोड़ लूँगी। तो ये प्रिपेयर हो चुका है, अब मैं फटाफट सूजी प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी बना लूँगी। बस यही दो चीज़ मैं बनाऊँगी, ज़्यादा और नहीं बनाऊँगी। तो चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं सारा प्रिपरेशन कर ली हूँ। ये सूजी मैंने इसमें छुहाड़ा मिला था और उसी में कुछ चार पांच बादाम थे, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया। ये इसमें मैंने चीनी डाल दिया है और ये बिना चीनी का इसमें मैं दूध डाल के बनाऊँगी, वो पापा मम्मी के लिए एक एक दो दो खा लेंगे। अगर घटेगा तो फिर मैं और भी सूजी भून कर इसमें ऐड कर दूँगी। और ये मैंने ठेकुआ बना लिया है, यहाँ पर ठेकुआ तल रही हूँ, और वो सूजी के लिए जो आटा मैंने लगा गुजिया के लिए जो आटा मैंने लगा रखा था वो है। अभी यहाँ पर मैं देखती हूँ निकाल निकाल कर, अगर घटेगा तो सूजी, अगर घटेगा गुजिया के लिए तो मैं और सूजी कर लूँगी। वो घी में मैंने सारा कुछ किया है, ये मैं रिफाइंड ऑयल में इसको तल रही हूँ क्योंकि उतना घी हजम नहीं होता है। और यहाँ पर बुकू अपनी बिल्ली मौसी के साथ ये देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। आ बेटी, मम्मा पापा के लिए पूजा करने के लिए खाना बना रही है। हाँ, ये हमारे ठेकुआ हमारे बिहार का कुकीज होता है। यहाँ पर मैं मम्मी के पैर में आलता लगा रही हूँ, और मैं बोली कि पहले दो तुम्हारे ही लगा देती हूँ, तो वहाँ पे जाके पूजा का सारा सामान इकट्ठा करना, और तब तक मैं अपना कर लूँगी। यहाँ पे मैं मम्मी को कर रही हूँ, और यहाँ पर देखो मैं खुद अपना कर रही हूँ। वो थोड़ा सा वीडियो मेरी बहन को मैं बोल के बनवा दी थी, नहीं हो पाता अकेले सारा कुछ मैनेज करना, तो इसीलिए मैं बहन को पकड़ ली थी। तो यहाँ पर देखो जितना जल्दी हो सके, मैं हाथ से ही लग गई करने में, ईयरबड और वो सब नहीं रखी क्योंकि जल्दी था ना, और मेहंदी मिला नहीं था तो इसलिए मैं मेहंदी भी नहीं लगा पाई थी, तो मैंने आलते से ही हाथ में लगा लिया था। सो हम सब यहाँ पर रेडी होकर पूजा के लिए बैठ गए हैं। बुग्गू परेशान कर रहा था, उसको नींद आ रहा था, वो सोया नहीं था शाम के टाइम में, इसीलिए वो परेशान कर रहा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कलश और नारियल में सिंदूर लगा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। पहले मम्मी जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। मुझे तो 3 साल हो गए, मुझे अभी भी पता नहीं रहता है, जब कोई बताता है तभी मैं कर पाती हूँ। वही मैं सोच रही थी कि मैं अकेले कैसे करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन हर साल मतलब कोई ना कोई मिल जाता है, थैंक गॉड। तो यहाँ पर जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी, और फिर से मैं अपनी बहन को कैमरा पकड़ा दी, उसको कैमरा मैन बना दी, और मम्मी बता रही थी पहले ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वही मैं कर रही थी। और मेहंदी अभी मुझे बीच में अभी याद आया था, तो वो मैं पूरी कथा के टाइम में ही लगा ली थी मेहंदी, अभी पापा लेकर आए थे शाम के टाइम में, ऑफिस गए थे तो पापा से मंगवा लिया था हमने। तो वहाँ पे मैं कुछ कुछ चढ़ा रही हूँ, मेहंदी चढ़ा रही हूँ कलश के लिए, कलश रखने के पहले नीचे चावल रख रही हूँ, उसमें पान का पत्ता, पान नहीं आम का पत्ता, हाँ आम का पत्ता भी, पान का पत्ता भी कलश में रखाता है। तो वही सब मैं कर रही थी, जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे मुझे खुद का कुछ भी नहीं पता रहता। देखो अभी मैंने आम के पत्ते डाले हैं उसमें, फिर पान कसैली, थोड़ा फूल, अक्षत, और 1 रुपए का सिक्का भी डलता है शायद, मम्मी बता रही थी, तो वो भी मैंने डाला हुआ था। यहाँ पर सिंहौरा का पूजा होता है क्योंकि यहाँ पर तीज जो हड़ताली का तीज होता है वो तीज मेन इसके लिए होता है, सिंदूर के लिए, सुहाग के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा सुहाग ये सिंहौरा को हम लोग बहुत ज़्यादा जतन से रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसको पूजा करते हैं, और इसमें से हम सिंदूर डेली डेली नहीं लगाते हैं क्योंकि जब भी कोई तीज पर्व त्यौहार होता है तभी हम लगाते हैं। और जैसे ये तीज होता है, अगर
तीज में सिंदूर, तीज में जो सिनहौरा होता है, अगर आपको सिनहौरा के अंदर का सिंदूर बढ़ाना होता है तो आप तीज के टाइम में ही पूजा करके उसको बढ़ा सकते हैं। तो यही है, मम्मी बोल रही थी माला पहनाओ तो मैं माला पहना रही थी। आप सब भी बताइएगा कि आपके यहाँ तीज कैसे कैसे मनाया जाता है। मेरे यहाँ जितना में से हो पाया उतना मैंने कैप्चर किया, और बाकी जो भी गलती हो भूल चुको हो तो भगवान जी से मैंने माफ़ी मांग ली। तो आप लोग देखते जाओ ऐसे ऐसे करके मैंने किया है। और बुग्गू बहुत परेशान कर दिया था, उसके नाना उसको लेके खिला रहे थे, उसको घुमा रहे थे, कभी उसके नाना कभी उसका मामा। यहाँ पर मेरा भाई वीडियो बना रहा है, ये वाला वीडियो भी आप लोगों को मिल गया होगा शॉर्ट्स पे, और आधा मिला होगा आधा भी अभी अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दो, मैं ऐसे शॉर्ट्स और वीडियोस लाते रहती हूँ तो आप लोग देखोगे। तो देखो मेरा भाई यहाँ पर वीडियो बना रहा है, मैं उसको बोली वीडियो बनाते रहे। तीज का दिन सजने संवरने का ही होता है। अब जितना सजो जितना सजो, पूरा दुल्हन बन जाओ, और मतलब जो सुहागन रहती है उनको तीज का दिन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। वो भले भूखे रहती है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहती है, लेकिन जब पूजा का टाइम आता है, जब तैयार होने का टाइम आता है, तो पता नहीं उनमें कहाँ से इतना एनर्जी आ जाता है कि वो मतलब सब कुछ भूल जाती है, कि क्या थकावट भूख प्यास सब भूल जाती है और तैयार होने में लग जाती है। और जो सिनहौरा का सिंदूर लगता है ना, तब मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सारे तैयारी में चार चांद लग गया है। यहाँ पर मम्मी बता रही है कि पान में सिंदूर से टीका लगा दो और उसके बाद उसको रख दो। मेरी मम्मी पूजा नहीं कर रही थी क्योंकि मम्मी फास्ट नहीं की थी, मैंने फास्ट किया हुआ था, इसीलिए मम्मी वहाँ पे बस सज संवर के बैठी हुई थी और बता रही थी ऐसे करो ऐसे करो, पूजा की थी। लेकिन जैसे मैंने फास्ट रखा हुआ था ना, तो इसलिए मम्मी मेरे से सारा करवा रही थी, और मम्मी ने फास्ट नहीं रखा था क्योंकि मम्मी को अभी प्रॉब्लम हो जाता, मम्मी को ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है, इसलिए मम्मी नहीं करती है। सो जो भी हो, यहाँ पर मम्मी भी एकदम मतलब बन ठन के तैयार होके बैठी हुई थी। मम्मी बता रही थी जैसे जैसे मैं वैसे वैसे कर रही थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये तीज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अभी 10-15 दिन के बाद जीतिया आने वाला है। जीतिया में भी पूरा ऐसी निर्जल व्रत रखना पड़ता है, और उसमें बच्चों के लिए फास्ट किया जाता है, जिसका बेटा होता है या बेटी होती है, दोनों के लिए। अगर किसी का भी बेटा भी हो या बेटी भी हो, दोनों के लिए आप फास्ट कर सकते हो। और इस साल तो जो नए फास्ट करने वाले हैं, जो व्रत उठाते हैं, तो इस साल वो उठा नहीं सकते क्योंकि इस साल वो वैसा कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि जो नया कर सकता है वो नहीं कर सकता है, जो नया करने वाला है वो नहीं कर सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरा जीतिया का भी व्लॉग देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। यहाँ पर पंखा वंखा बंद हो गया था तो बुग्गू और ज़्यादा परेशान कर रहा था, दिया अगरबत्ती सब जलाना था। बुग्गू बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मैं उसको भी टाइम नहीं दे पा रही थी। सो जैसे तैसे करके दोनों मामा और नाना उसके संभाल लिए थे, फिर लास्ट में परेशान कर रहा था तो फिर मौसी उसकी संभाल रही थी। तो यहाँ पर मैं जैसे हो सका वैसे जल्दी जल्दी करके पूजा की, जल्दी जल्दी करके कथा सुनी। ऐसे तो 3 बार कथा सुनना चाहिए, लेकिन मैं 1 बार ही कथा सुनी क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और देखो जितना हो पाया मैं उतना कैप्चर की हूँ, उतना कैप्चर करवाई हूँ। यहाँ पर सारे फल, गुजिया मैं भूल गई थी, फिर कथा के टाइम में मम्मी याद दिलाई कि जो बनाई है वो किस लिए, वही तो मेन प्रसाद है। फिर मेरे को याद आया कि अच्छा हाँ, तो वो सब भी मैं बाद में चढ़ा दी थी। और यहाँ पर मैं आस्ते आस्ते करके सारे मिठाई फल सब चढ़ा रही हूँ। और जब सिनहौरा का पूजा होता है तो घी से, ये मेरी मामी बताई थी कि घी से सिनहौरा को अच्छे से घी लगाया जाता है, उसको चमकाया जाता है, तो सिनहौरा चमकता है घी लगाने से। तो वही मैं घी से सिनहौरा अपना चमका रही थी, मम्मी भी अपना सिनहौरा चमका रही है, देख लो आप लोग। ये मम्मी का सिनहौरा पता नहीं कितना टाइम से रखी हुई है, मतलब जब से शादी हुआ तब से रखी है, लेकिन पता नहीं खोलती थी कि नहीं खोलती थी, वो पूरा वैसा हुआ था, वो बंद करके रख दी थी क्योंकि मम्मी तीज करती नहीं है ना, इसीलिए। और यहाँ पर मैं भी अपना सिनहौरा को घी से पूरा चमका रही हूँ,
जैसे सिंहौरा चमकता है वैसे मेरा सिंदूर भी चमकते रहे, बस यही प्रार्थना है। तो यहाँ पर मैं अब उसको रखूँगी, उसका पूजा होगा। वो इसमें शादी वाला ही सिंदूर डलाता है, शादी के टाइम में जो भखरा सिंदूर होता है, हमारे में भखरा सिंदूर चढ़ता है शादी के टाइम में, वही सिंदूर होता है। और इसमें से हम बहुत रेयर लगाते हैं, इसमें से डेली डेली नहीं लगाना होता है। तो मैं अच्छे से प्यार से इसको चमका रही हूँ, मन कर रहा है कि करते रहूँ करते रहूँ। और इसको मतलब अच्छा लग रहा था, यही चीज़, इसी का तो दिन है सिनहोरा का, सिंदूर का ही तो दिन है तीज। यहाँ पर मम्मी दिया बाती कर रही है, यहाँ पर सारे मिठाई हैं, फल हैं, सब है। मैं चढ़ा दी थी आस्ते आस्ते करके, एक एक करके सारा कुछ चढ़ा दी थी। और यहाँ पर मम्मी बता रही है ऐसे पूजा करो वैसे पूजा करो, ऐसे दिया रखो वैसे दिया रखो। तो यही है फिर यहाँ पर इसको खिलाने के लिए, इसका मामा अपने गोदी में बिठा के रखा है, उसको फ़ोन का कवर दे दिया कि उसी में कम से कम बजा रहे, लेकिन फिर भी ये तो बुद्धू है, ये पूरा परेशान हो रहा था। फिर आखिर में मेरे गोदी में आ ही गया था, ले लेकर नहीं मान रहा था, नहीं रुक रहा था, मैं कोई खोज रहा था। तो ये देखो ये यहाँ पे मैं मेरे गोदी में आ गया, मैं इसको ले ली थी तभी भी, वहाँ पे भी वो मैं दिया वगैरह जला रखी हूँ ना, तो वो उसको पकड़ने के लिए है। देखो आँख मल रहा है, पूरा नींद में है लड़का, लेकिन मैं इसीलिए उसको शाम को सुला रही थी, लेकिन वो सोया नहीं, इतना बदमाश है। तो यहाँ पर वही मैं बोल रही थी कि कथा पढ़ो, तो कथा पढ़ने के बाद या पढ़ने के पहले वो मेरे सिनहोरा में से मम्मी मेरे को सिंदूर लगा रही है, पूरा नाक से लेके पूरा जितना मांग है उतना तक लगा रही है, और आशीर्वाद भी दे रही है। तो वही फिर मतलब वो ब्लश होता ना, मैं ब्लश करने लगी थी, तो वही मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी पूरा लगा दो, तो मम्मी बोल रही है कि हाँ मैं पूरा लगा ही रही हूँ, देख लो हमारे में ऐसा लगता है सिंदूर। और सिंदूर लगा, ये सिनहोरा का सिंदूर लगाने का भी कुछ नियम होता है, जैसे कि आंचल पर रख कर लगाया जाता है। देखो मैंने आंचल पर सिनहोरा लिया हुआ है और फिर मैं वैसे ही लगा रही हूँ, मतलब मम्मी मेरे को लगा रही है, देख लो आप। फिर उसके बाद मैं मम्मी को भी लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने साखा पोला पहना है, तो मैं मम्मी को बोली कि साखा पोला में भी लगा दो। फिर मैं अभी आशीर्वाद ले रही हूँ मम्मी से, तो मेरी बहन बोल रही है कि कैप्चर नहीं हुआ है वापस से लो। तो मैं वापस से बोल रही हूँ कि, और पूछ भी रही हूँ कि अब हुआ कैप्चर, अब मैं मम्मी को लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को सिनहोरा का सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि सारे सुहागन का ये हक होता है। और यहाँ पर मैं चूड़ी में भी लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी साखा पोला पहना है, तो इसलिए मैं साखा पोला में भी लगा रही हूँ। और ये हो गया। फिर यहाँ पर वो जो कलाई में धागा बांधा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मौली बोलते हैं शायद, तो वो मैं बांध रही हूँ। मतलब मम्मी बांध रही है मेरे को, फिर मैं मम्मी को बांधूँगी, उसके बाद हम कथा सुनेंगे, उसके बाद फिर सबको बांधा जाएगा, सबको टीका लगेगा। तो यहाँ पर मैं मम्मी को बांध रही हूँ। मम्मी ज़्यादा मोटा नहीं बंधाती है मेरे को, थोड़ा मोटा अच्छा लगता है बंधाना है, तो थोड़ा मतलब थोड़ा दिखे भी ऐसा बंधा हो। तो मम्मी यहाँ पर पतला सा बंधा रही है, और फिर उसके बाद पापा को मैं बोली कि पापा कथा सुनाइए, कथा पढ़िए। तो पापा पूरा कथा पढ़े एक ही बार, तो बस वही एक ही बार में हम थक गए थे, मतलब थक गए थे क्या कि बुगु परेशान करने लगा था, वो बार बार आ जा रहा था, तो इसीलिए फिर इसको बैठ के मैं कथा सुन, इसको लेके बैठ के मैं कथा सुन रही थी। मेरा पैर वैर सब वो जो वाइब्रेट करना, वाइब्रेट होता है ना, जैसे वीकनेस से वाइब्रेट होने लगता है, तो वैसा होने लगा था। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मेरे हाथ पर कांप रहे थे, तो इसीलिए फिर मैं बोली कि हो गया, अब एक बार ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा नहीं, एक बार कथा सुन ली है। वो पापा पूरा लंबा चौड़ा कथा पढ़ के सुना रहे थे। और यहाँ पर मेरी बहन पता नहीं कौन से कोने में बैठ के वीडियो बना रही थी, मम्मी पता नहीं कुछ बोल रही थी उसी को लेके कि पूजा वहाँ पे मत बैठ जाना। यहाँ पे बुग्गू को चश्मा का बॉक्स मिल गया, वो अगर उसके हाथ से कुछ नहीं खुलता है तो वो मुंह से खोलने का कोशिश करता है। तुम उसे
देख लो मेरे बेटे को कितना ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया। गर्मी हमें भी लग रही थी लेकिन इसको ज़्यादा गर्मी लगती है, और इसी के चक्कर में इसको मैं ज़्यादातर एसी में ही रखती हूँ। इसको बहुत गर्मी लगती है और इसी वजह से मैं इसको मालिश भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं मालिश करूँगी तो इसके रैसेज निकल आते हैं, इसलिए मैं मालिश भी नहीं कर पाती हूँ। और ये कैसे जैसे तैसे करके चुपचाप शादी से बैठा था। यहाँ पर पूजा हो रहा है और आरती हो रहा है और पापा कथा पढ़ रहे थे, तो वही पूजा और आरती मैं भी की और मम्मी भी की, तो देख लो आप लोग। यहाँ पर आरती चल रहा था और मैं घंटी बजा रही थी, तो बुग्गू देख रहा है घंटी बजाते हुए, फिर उसको भी चाहिए घंटी, फिर वो भी बजा रहा था हाथ में लेकर खुद से। यहाँ पर मम्मी आरती कर ली है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा क्लिप ले ली थी मेरी बहन पूजा का। और ये देखो हम अब आरती करके रख दिए थाली और अब कथा सुनेंगे। कथा पापा पढ़ रहे थे, इसी बीच हम सुन भी रहे थे, फिर मम्मी पूरा घर में दिया वगैरह आरती दिखा दी। और यहाँ पर ये क्लोज़अप ले लिया हमारा, मेरा बेटा पता नहीं क्या बोल रहा है। मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापन किया। सो फाइनली अभी आज शाम का तीज का पूजा और कथा पूरा हो गया। और ऑनेस्टली बोलो तो मुझे आज बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। शुरू सुबह जब सो के उठी थी तब लग रही थी, लेकिन अब भी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि वो मतलब एक्साइटमेंट रहता है ना पूजा का। और अब भी 10 बज रहे हैं, अच्छा हुआ कि पूजा लेट से मैं की चालू, और ऐसे टाइम का पता भी नहीं चला, पूजा में ही टाइम निकल गया। और यहाँ पर मेरा बुग्गू चूड़ी के साथ खेल रहा है, इसने पैंट नहीं पहना है। अब ये चूड़ी अच्छी लग रही है ना, चूड़ी अच्छी लग रही है, मेरा साखा पोला अच्छा लग रहा है, ये सिंदूर अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी कल सुबह पारण करना है, पारण मतलब कल सुबह फास्ट तोड़ना है। तो कल नहा कर सूर्य भगवान को जल देकर फिर खाना खाना है। जो साड़ी में आज पूजा हुआ कथा सुनी में, वही साड़ी वही सब कुछ पहन के, तो मैं इसलिए चूड़ी नहीं खोली, क्योंकि ये झूठा तो होगा नहीं, मैं आज खाना तो खाऊंगी नहीं, तो झूठा होगा नहीं, मैंने प्रसाद भी नहीं खाया, मैं कल ही खाऊंगी। और मेहंदी मिली नहीं थी तो मैंने आलते से लिख लिया था, देखो मैं हस्बैंड का नाम लिखा है, उल्टा दिख रहा है, मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ, आलता मैंने लगा लिया है। फिर बाद में पूजा के टाइम में मेहंदी आ गया था, तो मैंने थोड़ा सा शगुन का मेहंदी लगा लिया, देखो दिख रहा है थोड़ा सा। पूजा करते करते ही कथा चल रहा था, तभी मैं सोची कि शगुन का मेहंदी लगा लेती हूँ, बाद में अपना मेहंदी लगाते रहूँगी। तो शगुन का मेहंदी लगाना ज़रूरी है, ये वो 16 सिंगार में आता है, वही है। और तीज का ये जो ब्लॉग है ना, जो वीडियो है, आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो तीज का अभी वाइव है ना, ये अभी ही रहेगा तो अच्छा लगता है देखने में, फिर तीज चला जाएगा, फिर वो वाइव भी ख़त्म हो जाएगा, सो इसीलिए। तो चलो कल सुबह वाला भी मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी शेयर करने का। ऐसे तो मैं अकेले जाऊँगी शायद जल ढालने, छत पे जाऊँगी, तो अगर हो पाएगा तो मैं किसी को साथ ले जाऊँगी, बोलूँगी कि चलो मेरा वीडियो बना दो, तो देखती हूँ। वरना यहाँ पर आकर पूजा वही नॉर्मल दिया बाती दिखाना है, और यही है। मेरी बहन वीडियो बना रही थी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं तो पूजा कर रही थी और मम्मी मेरे को बता रही थी, तीन साल, ये तीसरा साल है मेरा तीज करने का, और मुझे अभी तक नहीं आता है, मैं बार बार भूल जाती हूँ। जब भी तीज आने वाला था तो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन फिर पहला साल अपने ससुराल में की थी, तो वहाँ पर मेरी दोनों जेठानियाँ थी वहाँ पर बताने के लिए, तो वो दोनों ही बता रही थी, दोनों नहीं थी, एक थी, एक का तबीयत ठीक नहीं था तो वो नहीं की थी, तो वो अपने मायके में थी, तो एक थी मजली वाली, तो वो बता दी थी मेरे को, तो मैं पूजा कर, मतलब साथ ही में पूजा हुआ था। और दूसरा वाला यहाँ पे ही, दूसरा वाला मतलब पिछले साल भी मैं यहीं थी और इस साल भी मैं यहीं हूँ मम्मी के पास, तो मम्मी बता दें, मेरे को हेडेक, मैं इतना दिन से सोच रही थी कि तीज आने वाला मैं कैसे करूँगी, लेकिन भगवान की कृपा से सब हो गया। सो ये बिल्कुल मेरा आल था, मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा था।
फौज साहब दरोगा बाबू। और ये मैं ऐसे नेल पॉलिश लगाती नहीं हूँ, बस मैं ऐसे रेड 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 लगा लिया, अच्छा लग रहा था। और ये देखो मैं ये घुंघरू वाला बिछा मैं बहुत टाइम से लेके रखी थी, ये तो मैं सोची थी कि मैं तीज में पहनूंगी तो याद में पहन ली। और ये मैं जो मेरी अभी मेरे घर में जो शादी हुई थी उस समय मैं ये बिछे ली थी, तो ये मैं पहन ली। और ये मेरा पायल, ये तो मेरा ऐसे हल्का फुल्का है, मैं ऐसे पायल पहनती नहीं हूँ, लेकिन आज तीज है, आज 16 सिंगार है, जितना सिंगार हो सके, जितना रेडी हो सके उतना रेडी होना, एकदम अच्छे से होंगे। आज उनका ड्यूटी है नाइट, ये मम्मी का सारा चूड़ी लेके खेल रहा है। निन्नी आए तो पिटिया कर, ये देखो सारा इसने फैला दिया, दिख रहा है आप लोगों को, सारा फैला दिया इसने। अब मैं इसको समेटूँ, ये भी सोने के लिए परेशान हो रहा था और गर्मी आरती चल रही थी तो गर्मी भी हो रही थी, तो गर्मी से भी परेशान हो रहा था।